नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी की सबसे बड़ी मंडी निरंजनपुर मंडी में, जहां महंगाई की मार लगातार जो बढ़ रही है उसको लेकर अब जनता से बातचीत करेंगे कि क्या इस बार महंगाई चुनावी मुद्दा हो सकता है, क्या महंगाई अब निजी समस्या को सबसे बड़ा उछाल दे रही है। इस चीज और इस मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं निरंजनपुर मंडी में, जहां महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि घरेलू जितने भी सामान होते हैं वो उनको अच्छे से जानती है। तो अब महिलाओं से बातचीत करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके का यह महंगाई का माहौल बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? वो महंगाई बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जनता बहुत परेशान है, हमारा देश इसलिए पीछे हो चुका और हम भी बड़े दुखी है। कारोबार कर रहे हैं, कुछ मजदूरी दिहाड़ी नहीं पड़ पा रही और हर चीज महंगी, सब चीज महंगी करा रखी। महंगाई की मार किस तरीके से इन पर पड़ रही है, जो दिन दिहाड़ी करके जो मजदूरी करके तेल पहुंच गया, क्या 200 रुपया किलो पहुंच गया, अब क्या रह गया, कुछ नहीं बचा। हाँ, सब खाली करते चले जा रहे, सब खोखला होता जा रहा। सरकार तो ऐसे ही है, सरकार तो ऐसे और है। क्या सही बात है, सरकार में कुछ नहीं रहा, दम नहीं है सरकार में। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ मंडी में? मंडी में ठीक भी किराया जो कुछ भी है, जो ज्यादा आ जाए तो मंदा हो जाए, कम रह जाए तेज हो जाए, माल का क्या बेचना है यहाँ से, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है यहाँ, जो कि किसी के हाथ में। और जो आपके पास ग्राहक आते हैं सामान सब्जी लेने, उनका क्या है व्यवहार आपके साथ की महंगाई को लेकर, वो किस तरीके से बोलते हैं? सब ठीक है, अमेठी का रहने वाला हूँ जी, मटर 20 रुपए किलो नहीं बिक रही जी, बहुत सस्ता हो गया है, बहुत मटर आ रही है मंडी में, अभी तक 40 रुपए बिक रहे थे, अब हो गई 20 रुपए किलो, आज कोई लेने वाला नहीं है, बहुत सस्ता हो रहा है, बिक्री है ही नहीं। नहीं तो जो आपके पास ग्राहक आते हैं लगातार जो सब्जियां लेने आते हैं, आप यहीं पर काम करते हैं, तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको महंगाई को लेकर? महंगाई जी अभी तक तो लड़ रहे तो लोग, कितना महंगा हो रहा, अब आज 2 दिन से बहुत सस्ता हो रहा, प्याज लगा था। अब ग्राहकों का क्या है यहाँ पर हिसाब? नहीं रहा कोई, 20 रुपए किलो बुला रहा, कोई आ ही नहीं रहा। ये महंगाई तो वही रखी है, बताओ किस किस में चीज में हम वो करेंगे, बताओ हर चीज महंगाई है, क्या सस्ता है बताओ इस देश में। पर आपको क्या लगता है कि जब आप यहाँ सामान लेने आ रहे हैं तो किन किन चीजों में आपको सबसे ज्यादा महंगाई लग रही है? देखो जी, आलू जो 40 रुपए धड़ी था वो 70-80 रुपए धड़ी हो गया, ये देखो ना, कोई सब्जी 40 रुपए कम, 40 किलो से कम नहीं है जी, अभी तो कम हुई है, आजकल में वैसे तो महंगाई तो चली रही है। और डीजल पेट्रोल रिफाइंड तो छोड़ो, रिफाइंड तेल को तो छोड़ो, बहुत महंगी हो रखी है। जैसे कि हमने लोगों से बातचीत की, व्यापारियों से बातचीत की, तो उनका यही मानना है कि शायद कहीं ना कहीं बारिशों की वजह से भी चीजें महंगी हो चुकी हैं। इसको मद्देनजर रख लोगों का भी यही मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई शायद एक चुनावी मुद्दा बन सकती है। इसी के साथ बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार।